हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल। मैं भावेश आपके सामने एक नई स्ट्रेटजी लेके आया हूँ, जिसमें आपको कम से कम अच्छा मुनाफा इस बार देके जाएगा। इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक भी इंडिकेटर यूज़ नहीं कर रहा हूँ और फिर भी उसके बावजूद भी आपको ईजिली समझ आएगी ये स्ट्रेटजी। मैं आपको बोल रहा हूँ, इस जिंक में नॉर्मली आपको 70 से 150 रुपये तक का मुनाफा होगा, पर मैं आपको जैसा बताऊंगा कि कम से कम जो बिगनर्स हैं उनको कैसे ट्रेड करना है, कम से कम पैसा कैसे निकालना है, इसका पहले आप 4 से 5 दिन इसका आराम से निरीक्षण करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे वर्क हो रहा है। आप पहले बैक टेस्टिंग करेंगे कि कैसे हम इस पे वर्क कर रहे हैं, क्या सही है स्ट्रेटजी कि नहीं। फिर आपको अपने इस पोर्टफोलियो में अपने तरीके से इसको यूज़ करना है कि हम कैसे स्ट्रेटजी इसको लगा सके। ठीक है, जिंक में आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए मैं आपको जिंक का चालू करता हूँ। ठीक है, इसमें अभी स्ट्रेटजी में सीधा सीधा एक छोटा सा एक सिद्धांत है हाई और लो का। हाई, जब भी आपका कैंडल 10 मिनट का हमको लगाएंगे और कोई इंडिकेटर नहीं लगाएंगे और कैंडल स्टिक नॉर्मल रहेगी, तो पहले सबसे पहले अपन को ये देखना है कि जब ओपन होता है 10 मिनट का हाई 10 मिनट का लो क्या है। 10 मिनट का हाई अगर इसमें देखते हैं, 22 तारीख है, 22 जनवरी, 84 समथिंग है, 84.15.5। और इस स्ट्रेटजी में आपको बता दूं, कंटिन्यू या तो 3 ग्रीन पैटर्न होने चाहिए, कंटिन्यू 3 रेड, या तो रेड पैटर्न सेलिंग पे होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए तकरीबन 83.95 और 84.15। अगर इसके ऊपर हमको ट्रेड करना है तो कम से कम एक चीज़ और बता दूं, 10 बजे के बाद ही ये ट्रेड लगाइएगा, तभी ये सक्सेस होता है। और आपको एक चीज़ बता दूं कि ये ट्रेड 8 बजे के बाद मत यूज़ कीजिएगा, अगर हाई या लो दे जाता है तो। ठीक है, चालू करते हैं। 84.15 ये है, आपको पहले 3 रेड कैंडल, रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल, हाई अप के ऊपर जाता तो पहले ग्रीन कैंडल देखनी, कंटिन्यू कंटिन्यू यहाँ पर कहीं पर लगा रही है, नहीं लगा रही है, सही चार्ट नहीं है तो यहाँ पे आपको नहीं देखना। कंटिन्यू कहाँ पे, 1 2 3, थोड़ा सा है यहाँ पर भी ट्रेड। अगर आप लगाते हो हाई के ऊपर तो आपको 70 पैसा ऊपर लेना है, बिगनर्स के लिए 70 पैसा, फिर भी 1.5 रुपये तक, 1 से 1.5 रुपये भी मिल जाता है। आने वाले समय में आपको 3 3 4 4 रुपये तक की स्ट्रेटजी बता सकता हूँ और 1.5 रुपये आपका ईजिली निकल सकता है जिंक में। और पोजिशनल स्ट्रेटजी भी बताऊंगा इसके इसके उससे पहले अभी आप ये वाली स्ट्रेटजी देखिए। 84.80 से बाई किया अपन ने और टारगेट अपन 85.60 का लगा दें, तो ये 85.60 यहीं पर आ गया है, यहाँ पे आ गया है, इस कैंडल पे ही आ गया है। तो ये कैंडल में आपको टारगेट तुरंत मिल जाता है, उस दिन आपको ट्रेड नहीं करना, नेक्स्ट डे आपको ट्रेड करना है। ज़्यादा लालच भी नहीं करनी कि लो लगाना, इसका एक सीधा सिद्धांत है। 8 बजे के बाद आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ मत कीजिएगा और 10 बजे के बाद ही यूज़ कीजिएगा, सुबह 10 बजे के बाद और रात को 8 बजे के पहले पहले तक इस स्ट्रेटजी का यूज़ करना। 23 तारीख को हाई था 86.90, 87 मान के चलिए, हाँ 86.25 का लो था। हमको या तो इसके नीचे ट्रेड करना है या तो इसके ऊपर ट्रेड करना है। ऊपर गया है कंटिन्यू हुआ, पर 10 बजे नहीं थे तो हम यहाँ ट्रेड लगाएंगे। ये 3 कैंडल कंटिन्यू ऊपर जा रही है तो यहाँ पर भी ट्रेड लगाते हैं 87.10 पे भी, तो आपका टारगेट होता है 87.80 का। 87.80 तुरंत आ गया है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपका टारगेट आ गया है। फिर भी गया कहाँ तक था, 88.70 तक गया था, हो सकता है और भी गया ऊपर। ठीक है, इस दिन ट्रेड नहीं करना, फिर भी बहुत ऊपर तक गया था, 1.5 2 रुपये मिल रहे थे। अब आया 24 तारीख, 24 तारीख को देखना है, ये हाई है ये लो है, 88 का, 88.35 का हाई है, इसके ऊपर आपको ट्रेड करना है और इसके नीचे ट्रेड करना है। कंटिन्यू कंटिन्यू होना चाहिए, कंटिन्यूशन में अगर ट्रेड होगा तो आपको बनेगा। 10 बज के आप देखिए यहाँ इसके नीचे आपका जाना चाहिए, इसके ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं, इसके नीचे भी ट्रेड कर सकते हैं, सीधी सीधी बात। ठीक है, और जैसे मान के चले इसके नीचे हमने ट्रेड लगाया 87.35 का। ठीक है, तो अब यहाँ पर 3 कैंडल कंटिन्यू, 1 2 3 कैंडल कंटिन्यू जा रही हैं और आपको ट्रेड लगाना है इस यहाँ पे आसपास। अगर इसमें सही नहीं बन रहा है फिर भी अगर देख लेते हैं कि क्या बन रहा है ट्रेड,
यहाँ पे टारगेट आया कि नहीं आया। हो सकता है कि नहीं भी आया होगा तो कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बैक टेस्टिंग करते रहना है, एक बार एसएल भी चला जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए 70 पैसा का टारगेट आया कि नहीं आया, यहाँ पे कंटिन्यू तीन थे, एक एक यहाँ या तो यहाँ पर, हाँ सॉरी मैं देख नहीं पाया, ध्यान नहीं दे पाया, 10 बजे के बाद ये तीनों कैंडल के नीचे गया था, एक तो ये तीन कैंडल कंटिन्यू इसके नीचे। या अगर आपको ये भी नहीं देखना तो यहाँ से कीजिएगा, यहाँ पर तो अगर आप यहाँ पर ट्रेड लगाएंगे तो फिर शायद हो सकता है एसएल आपका लग जाए 86.90 पे, लो कहाँ तक गया था आप देख सकते हैं 86.50 55 तक, तो कहाँ से गया था 87 भी मानते हैं यहाँ से, तो और गया कहाँ तक था 50 पैसा, यहाँ 50 पैसा मिला। अगर यहाँ ट्रेड नहीं किया जाए तो अगर नॉर्मल देखा जाए तो आपका ऐसा लग सकता है ना, फिर भी ये जो टेस्टिंग है आपकी 10 बजे तक की बात की, पर इसमें लो नहीं तोड़ रहा है, एक चीज़ याद रखिएगा, एक आपका लो नहीं तोड़ रहा है और कंटिन्यू तीन कैंडल नहीं आ रही, तीन कैंडल यहाँ पे आई तो हमारा यहाँ से ट्रेड बना, 87 से भी ट्रेड बना, तो 50 पैसे से ज़्यादा नहीं मिला, तो यहाँ पर आपका ऐसे लग सकता है। तो आपको फिर देखना है कि आपको क्या करना था उस जगह पे, ठीक है। और इसका टेस्टिंग एक बार और देखते हैं कि यहाँ पर आपका पूरा ट्रेड बर्बाद था, उस दिन के बाद आपको ट्रेड नहीं करना, ये आपका एक बार ऐसा लगा तो आपको ट्रेड नहीं करना। कभी मैं भी मानता हूँ कि कभी बार आपका टारगेट नहीं आएगा, या 24 तारीख जैसे जैसे टारगेट नहीं आया, ठीक है। कंटिन्यू सेलिंग तो गई, एक दो तीन चौथी, ये अगर यहाँ ये रेड चली जाती तो आपका ये भी बन जाता। अगर ऐसी कैंडल आपको कहीं पर मिले ना तो एक चीज़ देखना है, अवॉइड ही करना चाहिए, ठीक है। फिर भी अवॉइड अपन ने नहीं किया, चलो ऐसे लग गया कोई बात नहीं ना, फिर भी अपन नेक्स्ट डे देखते हैं और कहाँ कहाँ स्ट्रेटजी फॉलो होगी। ये हाई है, ये लो है ना, ये हाई के ऊपर अपन ने 88.70 के ऊपर अपन ने बाय करना, कंटिन्यू तीन कैंडल होना चाहिए 10 बजे के बाद, एक दो तीन चार, चार कैंडल हैं, यहाँ से बाय करना, यहाँ से कर लीजिए 89 से भी करेंगे तो 89.70 का टारगेट आप कम से कम लगाइए, 89.70 आ गया तुरंत आपका टारगेट, फिर आप मार्केट से निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सबसे पहले कैंडल ऊपर जानी चाहिए तुझे, ठीक है। नेक्स्ट डे देखते हैं, नेक्स्ट डे देखिए आपने 5 दिन देख चुके हैं, 5 दिन में एक दिन प्रॉब्लम गई एसएल गया, ठीक है ना। अभी और आगे देखते हैं कि कितना होता है 80.93.15, एक बार बता दूँ इसका जो पॉप कैसे ट्रेड करना है, 10 बजे के बाद ही ट्रेड करना है। और एक चीज़ और देख लीजिए कि कंटिन्यू तीन रेड कैंडल होनी चाहिए, कंटिन्यू या तो ग्रीन कैंडल होनी चाहिए हाई के ऊपर, तो यहाँ पर तीन कंटिन्यू ग्रीन कैंडल आ रही हैं, है ना, तो यहाँ से अभी ट्रेड लगाते भी हैं तो 892.40.50 के आसपास, और टारगेट कितने लगाएंगे 60-70 पॉइंट का, 1.5 रुपये चल गया और ऊपर चला गया, तो यहाँ से ट्रेड किया 50 से, टारगेट लगाया 93.20 का, यहाँ पर ही आ गया आपका, इसी लाइन पे भी आ गया, ठीक है। और आगे आपको ट्रेड देखना है, ये हाई कितनी तारीख है 29 तारीख, ये हाई 91.95 का 91.92 मान लो आप, ठीक है। ये लो पहले लो गया यहाँ तक, कंटिन्यू सेलिंग नहीं बना रहा था, इसको अभी अवॉइड करना है आपको हमेशा, ठीक है ना। और 10 बजे के पहले ही 9:30 बज रहा है, ठीक है। यहाँ से ऊपर गया, कहाँ तक गया, यहाँ पर भी ट्रेडिंग ही नहीं करना है, कंटिन्यू यहाँ बन ही नहीं रहा है, यहाँ के ऊपर गया, हाई लगाया एक दो तीन, फिर भी देखिए पूरी कैंडल ख़त्म हुई, फिर भी हम यहाँ के ऊपर ट्रेड करेंगे, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, यहाँ के ऊपर ट्रेड करेंगे, टारगेट कितना लगाएंगे तकरीबन 70 पैसे का, 1 रुपये भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, 93.20 यहाँ पर आपका 93.20 आया, नहीं आया, थोड़ा टाइम लगा, कहाँ तक, फिर कब आया 93.20 यहाँ आ गया, फिर कहाँ तक गया 93.40 तक गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से 1 रुपये आपका मिल गया। ज़्यादातर स्ट्रेटजी 1 रुपये तक की है, फिर भी आप 70 पैसे का ही लगाइए, ठीक है। हाई लो
अब आपको देखिए, आप खुद बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, आपको कैसे यूज़ करना है स्ट्रेटजी आपको मैं पहले बता चुका हूँ। इसका वर्किंग इजी है, इजी वर्किंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपका प्यार बढ़ाती रहिए, और जैसे भी नए वीडियोज़ आते हैं तो